मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी जो है हम लोग उठ गए हैं और रात को बहुत अच्छा नींद आया और सुबह हो गए हैं। आज जल्दी उठे हैं, ज़्यादा जल्दी ही आँख बस गया है जो भी हो। और ये जो इतना नेचर के साथ रहे, हाँ, उसका जो हवा है उसका अलग ही फील महसूस किया कल, बहुत अच्छा लगा। चलिए आइए आप लोगों को प्रिया से मिलाते हैं, पूछते हैं उसको उसको कैसा लगा। आइए मैडम जी, उसको तो मैं जगा के आया हूँ। अभी हाँ, अभी भी बैठी है वो। कैसा नींद आया? बाप रे, उसके बारे में क्या बताऊँ। मैं तो हूँ उसको जगा के, ब्रास ब्रास करके पूरा यहाँ का आसपास जो है थोड़ा देख के आया हूँ। तब तक तो ये ब्रश की नहीं की? हाँ ठीक है ठीक है, कर लेगी। हो गया। कब की? हम करके फ्रेश अप कर। अच्छा तो ठीक है, मुझे लगा कि नहीं होगी, फिर से सो गई होगी। ना तो कर ली, ठीक है। अभी फ्रेंड लोगों को बताओ कि कैसा नींद आया तुमको। हाँ, देखने में तो एकदम फ्रेश लग रही हो। मैं अभी थोड़ा फ्रेश हो गया। मैं फ्रेश ही हो गई हूँ एकदम से, बहुत अच्छा नींद आया। और यहाँ पे मतलब जंगलों में जैसे एक आवाज़ आती है ना, मतलब रात का जो आवाज़ है, हाँ उस टाइप से। हाँ, इसका बाथरूम थोड़ा दूर है, उसके पीछे घना जंगल है। वो जो राज वाला दिखाए थे ना, वो ऐसा जंगल है। पर मुझे इतना डर लग जाता था तो मैं राजा बाबू को रात को उठा के लेके जाती। ना, दो बार मैं उठा उसके बाथरूम के चक्कर में। हाँ, इतना लाइट वगैरह है फिर भी अगर डर जाती हो? नहीं, अच्छा है, मतलब एकदम नेचुरल दिखाया है सब कुछ, जैसे कि गांव में दूर में होते हैं, मतलब शौचालय। अभी तो अटैच बाथरूम वगैरह ये सब हुआ है, गांव में तो दूर में ही रहता है सब कुछ। लेकिन गांव में दूर में रहते हैं, मुझे ये दूर में ही अच्छा लगता है। पर मुझे डर के डर लगता है बहुत। बोलो बाबू, मुझे डर लगता है। ठीक है, तो भूख लग गए हैं क्योंकि हम तो मतलब कल तो पेट भर के खाना खाने के बाद हम तो मतलब ये जाने डिनर नहीं किए थे हम। इसलिए हमें ज्यादा 4 बजे खाना खाने जाएंगे तो डिनर करेंगे, वो भी कितना कुछ खाया पेट भर के। तो डिनर जो है स्किप कर दिया हम लोगों ने, क्योंकि ज्यादा खाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ, और कितना फ्रेश फ्रेश लग रहा है ये घर। मैं राजा बाबू को बोल रही थी कि मुझे ऐसा घर अच्छा लगता है, अगर ऐसा घर हमारे कलकत्ता में भी होता कितना अच्छा होता। मुझे बेहद पसंद आया ये घर। वहाँ पे गर्मी ज्यादा है ना, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो हमारा ही घर है, ऐसा लग रहा है। हाँ, अभी अभी जितना दिन यहाँ रहोगी अपना ही घर समझ लो, जो यहाँ का परिवेश है वो अपना ही गांव समझ लो ना, क्या है अपना ही तो है, तुम अपना हो। हाँ, तो फिर फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग जो है हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। और हमारे राजा बाबू जी पूरा एरिया घुमा घुमा के दिखाएंगे, इसका नाम क्या है ये भी बताएंगे, इस जगह का और कहाँ पे है ये जगह ये भी बताएंगे, और हम क्या क्या कर रहे हैं ये दिखाएंगे। हाँ, और क्या क्या ब्रेकफास्ट किए यहाँ का ब्रेकफास्ट देखते क्या देते हैं। हाँ, वो तो मालूम नहीं, फिलहाल जाएंगे तो देखने को मिलेगा। हाँ ठीक है। हाँ, तो फिर तुम थोड़ा और रेडी हो जाओ। हाँ, रेडी होना है, ब्रेकफास्ट कर लेंगे। ठीक है, हम ब्रेकफास्ट तो करने जाएंगे, लेकिन उससे पहले राजा बाबू को तो थोड़ा बेटी दे दे इसका मज़ा तो उठा लूँ। तो अभी हम बेटी बनाने जा रहे हैं और उनको पिलाएंगे बेटी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैडम जो है एकदम रेडी हो गई मुझको टी पिलाने के लिए। हाँ, आइए आइए, खड़े क्यों है, आइए आगे बढ़िए। देखो मैंने कितना डिजाइन करके लेके क्या डिजाइन किए हो, देखिए ये कप और ये पे सब कुछ। ये तुम डिजाइन किए हो लेकिन ये ट्रे मेरे को बहुत पसंद आया जी, ये बेत का ट्रे है। देखो तो हम कहाँ प्लास्टिक के ट्रे यूज करते हैं, और यहाँ के ट्रे देखो कितना अलग है, डिजाइन सुंदर है। हम प्लास्टिक सिरामिक ये सब का
स्प्रे यूज करते हैं, मगर इस चीज का यूज करना एक अलग ही बात है। ठीक है, मैं तो चाहती हूँ कि मैं ऐसे घर में शिफ्ट हो जाऊँ या ऐसे के घर में रहूँ। और मैं राजा बहू को ऐसे ही मतलब बेच के ट्रे में चाय वगैरह परोस सकूँ, बेटी खा सकती मेरे साथ। अभी मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पे, ये मैं इसमें बनाएंगे हम, ठीक है? बना लेती हूँ तो फिर हम जल्दी से बैठती। ठीक है, शुरू हो जाओ। कितना पियोगे राजा बाबू? एक काफी पियेंगे यहाँ पे। जितना बड़ा कप का साइज है उतना तक ही पियेंगे। टी बैग है ये, आशाम का टी बैग। अच्छा, मिलती पियोगे क्या? हाँ, मिलती पियेंगे। मिलती क्यों नहीं पियेंगे? कि कुछ नहीं, मिलती खोल के रखे तो भी मेरे को। इसको खोल के रखती हूँ। पानी मेरा गर्म हो गया है। मैं खोल दूँ? नहीं, इसके अंदर मत डालो अभी, इसके यहाँ पे रखो। अच्छा, शुगर एक एक करके दे देंगे तुमको, ठीक है? ये वाला भी मैं तोड़ के रखती हूँ। हो गया, ठीक है, गरम हो गया। ठीक है, वो जो लाइट जो है स्विच जो है ऑफ कर लो पहले। हाँ, इसको अभी चलने दो इधर। हाँ, अभी भी पानी है, चाहिए तो मैं दे दूँ। ठीक है, ये वाला लाने के लिए भूल गए थे क्या? क्या है इसमें? नीचे ही रखो। हाँ, नीचे रखो। ये जी चम्मच। अच्छा, इसके साथ हम सुबह देखो कितना गर्म पानी। ये अच्छा है, पहले घर से थोड़ा चाय पी के जाए। हाँ, उसके बाद आराम से पहले आपका हाथों से चाय तो पी ले। ये ऐसी जगह पे भी ये मौका मिल रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है ना। ऐसे घर जैसी फीलिंग आ रही है अभी मुझे। हाँ, पूरा घर बेत जो है ये अभी जो बेती पे है, मतलब पी के फिर जाएंगे, मज़ा आ जाएगा एकदम। देखो तुमको तुमको मैं घर पे बेचती देती हूँ। घर आके बेचती करे अब इसके साथ हम इसको हिलाएंगे, ऐसे हिला देंगे। अंदर हाँ, मेरा चाय का चाय, ये देखो बस, ये देखो बन गया चाय। अब इसके कलर आते रहेंगे, चाय बन जाएंगे। देखा,
राजा जी जी, आपके जो क्या बोलो, आपके शर्माओ मत, सब बोलो, आपके लिए मैंने बना दिया। हाँ, मेरे लिए बन गया है मिल्क टी। हाँ। और बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे कि अभी ये टी पैक और थोड़ा सा मिल्क दे दे। हाँ, दे सकते लग रहा है। देना है तो दे सकते हो। नहीं, मेरे को कलर, तुम जो भी दोगी वही हम पी लेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो मेरा जो चाय है बन गया है। इसका कलर भी देखो कितना अच्छा आया है, असम है। और टी का क्वालिटी जो है अच्छा होगा नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। लेकिन इसके साथ हम लोग खाएंगे क्या, इसके साथ जो हम लोग खाएंगे वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, मिल गया ये। इसके उसको खोलो प्रिया, इसके पैकेट के अंदर क्या है देखो, इसके अंदर बताओ। इसके अंदर है मेरा फेवरेट पिठा। हाँ, और मेरा राजू का फेवरेट। हाँ, इसको जो है हम लोग खरीदे थे, लेकिन खाने का जो है सही मौका हम लोग को मिल नहीं रहा था। लेकिन मुझे अब लग रहा है यही जो है आज का जो दिन है यही सही मौका है इस, मतलब ये पीठा को चाय के संग खाने का। ये पीठा मैंने मेरी सासू माँ ने मेरे राजा बाबू के लिए भेजा था। हाँ, पहली बार तो भेजा था। और मैंने बोला कि ये क्या है, तो राजा बाबू ने बोला कि मैं घर से लेकर आया हूँ, इन्होंने मुझे खाने दिए थे। तो मैंने बोला ये क्या है, तो बोला ये मैं घर से लेके आई हूँ, माँ ने दे दिया साथ में, तो तुम भी खाओ, तुम्हारे लिए लाए। फिर मैंने देखा, अरे बाप रे, किस टाइप का पीठा है, क्योंकि मैं तो हमेशा मतलब ये देखो ना, टूट गया है थोड़ा थोड़ा। हाँ, जानी करके आ रहा है ना, कब खरीदे थे बोलो, खाए नहीं, अभी ऐसे लाएंगे तो थोड़ा बहुत। तो मैंने कहा पीठा ऐसे होते हैं, हम तो दूध में भिगो के पीठा खाते हैं। हाँ, ये जो है एक तिल का पीठा है और ये नारियल का पीठा है, इसको बोलते हैं हम तिल पीठा एंड नारिकल पीठा, सूखा पीठा। सूखा पीठा वो नहीं बोलता है, हम लोग तिल पीठा और नारिकल पीठा ही बोलते हैं। और ये थोड़ा सूखा सूखा रहता है तो डैडी उसको नाम दे दिया सूखा पीठा। देखो, मैंने परोस दिया है चाय और पीठा, चलो शुरू हो जाते खाना। तो अभी जो फ्रेंड्स, अभी चाय का मज़ा लेंगे हम। बहुत अच्छा टेस्ट है। और यहाँ असम का जो चाय है और इसका जो एक स्मेल है, जो गंध है, बहुत ही प्यारा, मतलब बहुत अच्छा, मतलब बहुत, ये क्या बोलते हैं, जो बाहर में ना वो वाला गंध नहीं मिलता, यहाँ का गंध जो है चाय का, जो एक्चुअल गंध है चाय पत्ती का, ये आ रहा है पूरा। पियो पियो, तुम भी पियो। पी रहे हैं, पहले पीठा तो एक खाओ। पहले एक तो मैं तिल पीठा से शुरुआत करूंगा। सुकून। चाय के साथ अच्छा लगता है पीठा। इसको ऐसे ही खा सकते, ऐसे थोड़ा चाय पे भिगो के भी खा सकते। मैं भी पी रही हूँ चाय। अच्छे बनाए ना। क्या घर में बनाना, तुम ये सब पहले खा लो, बाद में तुमको सिखा देंगे कैसे बनाना है। फिर जब भी बिहू का टाइम आएगा। मैं बनाना गई थी ना एक बार। हाँ, एक बार गई थी, पूरा खराब हो गया था। खराब हो गया, इसका एक प्रोसेस है। इसका जो चावल है ये सुखाना पड़ता है, एक अलग टाइप का चावल होता है, रूप में सुखाते हैं। देखने में ऐसे इजी लगते हैं, इसको बनाने का वो शेप आना पड़ेगा, प्रोसेस बहुत हार्ड है। और वो चावल जो है यहाँ से यहाँ ज़्यादा मिलता है। सबसे खास बात है ये ड्राई चावल से, कैसे गुड़ी से, चावल गुड़ी से बनते हैं, राइस पाउडर से। हाँ,
इतना गर्म तवा में थोड़ा सा ऐसे छिटक के दे दिया और एकदम पापड़ की तरह बन के आ गए। ऐसे कभी हो सकता है? पर ऐसा ही होता है। इसका चावल जो है अलग है ना, वो चावल वहाँ कहाँ मिलेगा। मैंने बहुत सारे पीठा खाए हैं। नारियल पीठा भी बहुत टेस्टी है। तेल पीठा, नारियल पीठा, फिर बहुत सारे बहुत टाइप के यहाँ के पीठे खाए हैं, मगर ये वाला मेरे लिए बेस्ट है सबसे। ठीक है, फिर हम लोग थोड़ा पी लेते हैं बेड और फिर जाएंगे ब्रेकफास्ट करने। ठीक है, राम जी एकदम रेडी हो गई है ब्रेकफास्ट करने के लिए। अच्छा लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है। कौन सा नेकलेस पहने हो? आसामीस नेकलेस। अच्छा हाँ, ये वाला ना। हाँ अच्छा लग रहा है। आइए आइए आइए। ठीक है चलो। हो गई? हाँ। चलो ताला लगा दो। देखो तुमको दिखो नाम अच्छा लगा क्या? जब से आई हो दिखो दिखो कर रही। दिखो फेवरेट बन दिखो। गया क्योंकि दिखो का स्टाइल हमको बेहद पसंद आया ना। इतना सुंदर गेट बनाया मेरे लिए। गुड मॉर्निंग। ये देखो ये मेरा घर है और ये मेरा गार्डन है, मैंने बनाया। इस गार्डन में मैंने गेंदा फूल रखे हैं बहुत सारे। हाँ और एक एक, एक गाना याद आ गया। ये तेरी कुटिया तो महलों से प्यारी है, क्या मौसम आया है। तो फ्रेंड्स हम लोग का ब्रेकफास्ट जो है आ गया है। आप लोग देख सकते हैं पूरी है और ये है केला और एक ये पीठा है, इसको कहते हैं भापेर पीठा, भाप पीठा, और ये खीर है और ये सब्जी है। कल खाए थे ड्राई खीर, आज लिक्विड खीर है। हाँ हाँ, ये वाला लिक्विड खीर है, मैंने मतलब दो टाइप का खीर हो गया अभी। हाँ ठीक है, आ सकते हैं। সাথে মিশে
के खाने के बारे में कुछ कह नहीं सकते, इतना मतलब टेस्टी है, टेस्टी भी हेल्दी भी है और बहुत हेल्दी है, एकदम ज़्यादा मसाला नहीं, देख सकते लाइट। आलू की सब्जी बनी है लेकिन सिर्फ आलू नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी सब्जी है, वैरायटी सब्जी है, इसके अंदर दाल है, देख के एक सब्जी बनाया गया है पूरा गाढ़ा गाढ़ा ग्रेवी टाइप। ভাপার বিরিয়ানির মধ্যে নারকেল আছে, দুধ আছে, ওখানে এরকমই দিয়েছি वाला, मैं लास्ट में खाऊंगी सकल जाए ডাল দিয়ে দিয়েছে বলো তো মিক্স আলু সবজি सब्जी पूरा ख़त्म हो गया, देख सकते हो इतना टेस्टी था सब्जी, एकदम मैंने ख़त्म कर दिया। अब खाएंगे हमारा, अनेक दिन खाएंगे ना कलाटा, अनेक दिन खाएंगे यहाँ के स्टाफ है वो मुझे देखकर हंस रहे हैं क्योंकि मैं कैमरा कर रही हूँ ना। यहाँ के बाजारों में ज़्यादातर एप्पल देखने को मिलते हैं, मुझे लगता है यहाँ पे एप्पल ज़्यादा खाते हैं इसलिए आज भी दिए हैं। और मैं जिधर ही देखूँ एप्पल ही एप्पल बाजार में, और बाबू के घर में भी मम्मी एप्पल ही खाते हैं ना, बाबू मैं ज़्यादा एप्पल खाती हूँ। आप
আপেলটার মধ্যে অনেক জল জল আছে, রস বালি বালি লাগে না, আসারও আপেলটা পুরো রস। গরম গরম ক্ষীর, কাল খাইতে ড্রাই ক্ষীর, আজ একদম লিকুইড বেলা সফট দুধ, দুধের চাল। তবে এখানে কিন্তু গোবিন্দভোগ চালটা ইউজ করেনি, গরুর চালে কেন কেশর দিয়েছে, কেশর স্ট্যান্ডার্ড কেশরি ঠিক। बाबू को मैंने घर से चाय पिला के लेके आई हूँ उनसे, और अभी फिर से हमारा चाय आ गए हैं। अभी शुरू करने जा रहे हैं भापड़ दिया पिठा चायर लगत, चायर लगत खाम भापड़ दिया पिठा। ও চিনি দেয়নি, ও যাদের দরকার নিয়ে না কাটে নিয়ে না। আপুনি অলপ খাবা নাকি চাইয়ের লগত ভাপত দিয়ে পিঠাটো? ৰ মই দৈ আছো, এৰা চাহ দিছোঁ আপোনাক, আৰে ভাপত দ পিঠাটো খোৱা। মই ফোন কৰি দিলোঁ অঁ, ভিতৰত তিল আছে, ভিতৰত তিল আৰু নাৰিকল। Awesome. আজকে দু রকমের পিঠা খেলি, দু রকম না তিন রকম।
देखो कोलकाता हो या आसाम हो, सारे जगह पे मैं ही सबसे जल्दी खा लेती हूँ और ये फील कर करके खाते ही लेट करते हैं। मैं भी फील करके ही खाती हूँ, ये नहीं कि बड़ा हड़बड़ी में खाती हूँ। मज़ा तो मैं भी लेके खाई। जाने दो, मेरे दादी बहू का लेती होता है खाने में। देखो मैंने कैसे खा ला, एकदम साफ कर दिया, देखो सब कुछ खा लिया, जो भी था सब कुछ खा लिए। हमारे राजा जी अभी भी चाय पी रहे हैं, वो भी ले बहुत ही अच्छे ब्रेकफास्ट किए हैं घर पे भी, इतना अच्छा सच में ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ। मतलब क्या बताऊँ, घर का बात छोड़ो, वो तो हर बारी में रहते हैं, हम लोग जो मिलता है वही खा के चले जाते हैं। लेकिन मतलब ये इतना हेल्दी और इतना लाइट खाना और ब्रेकफास्ट, हम सुनते थे कि मतलब सुनते हैं जानते भी है कि ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए, हाँ, और सुबह का खाना जो है पेट भर के खाना चाहिए, जो हमने आज खाया और यहाँ पे हमें मिला बहुत अच्छा। ये हमारे सेहत के लिए बहुत हेल्दी होते हैं सुबह ब्रेकफास्ट हैवी खाने से, मतलब शरीर के लिए अच्छा है। और दिन में तुम लाइट खाना खाओ प्रॉब्लम नहीं है, और रात में भी लाइट खाना खाओ प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो हो गया हमारा, अभी हम यहाँ से निकलते हैं। देखो हम आपको क्या दिखाना जा रहे हैं, एकदम लाइव कैमरा में देखो, कोई कटिंग नहीं होगा। ये पौधा हमको मिला है, इसको हम बंगाली में बोलते हैं लज्जापूती गाछ। अरे बाबू असमिस में क्या बोलते हैं? आसामिस में भी शायद ये लास्कुरिया गाछ, लास्कुरिया गाछ को है, हां तुम्हें ये तो दूसरा अगर नाम भी है तो भी अभी याद नहीं आ रहा है मुझे। हाँ देखो लाइट देखो, कैसे छुरे से ऐसे बुझ जाते हैं, अच्छा लग रहा है। सब बंद हो गया, बंद हो गया पत्ता। अभी इसका शर्माना बंद हो जाएगा तो ये फिर से जाग जाएंगे, फिर से वो जाग जाएगा, हाँ है ना। गाइस अभी हम घर आ गए हैं, देख सकते हो ब्रेकफास्ट करके। अभी हम थोड़ी देर घर में रुक के फिर आप सबको ये जगह पूरा घुमाएंगे, ठीक है? अभी निकल गया होगा ना? अभी धूप निकल गए हैं, देख सकते हो पूरा धूप निकल गए हैं।
কিগো কি করছো? হ্যাঁ করছো রে, এটা বসে থাকা, বসে থাকা, এটা না বসে থাকা কি করছো? তুমি কি করছোটা কি হন্ডায় বলো, করছোটা কি? মানে আমি চান করতে গেছি, তোমার শুরু হয়ে গেছে, আমি তো সব দেখলাম জানলা দিয়ে। হ্যাঁ কি করে তুমি ফেলো, ওটা ফেলো না, তুমি ফেলে দিয়ে আসো, ওটা ফেলে দিয়ে আসো, ফেলে দিয়ে আসো এক্ষুনি। কিন্তু মানে এই ছুঁড়ে গিয়ে ফেলে দিলাম, আমি ছুঁড়ে গিয়ে ফেলে দিলাম এবার আমি এটা। হ্যালো কই ফেলছো, কোথায়? আমি কিন্তু বাইরে বেরিয়ে আসবো এইভাবে, তাতে ফেলো। না আমি একটু চান করতে যাবো, তোমার শুরু হয়ে যাবে। চান করে এলাম কেন মানে? না না চান করে এলাম মানে এটা কি কথা? আমি একটু হাওয়া খাচ্ছিলাম, ওটা হাওয়া খাওয়া হচ্ছিল, ওটা হাওয়া খাওয়া হচ্ছিল, আমি তো দেখলাম ওখান থেকে, আমি দেখতে পেলাম, তুমি ঘরে নেই দেখে আমি দেখলাম। ওই তো ওখানে আমি জানলা থেকে দেখলাম, তো জানলা থেকে দেখা যায় না নাকি? এইমাত্র না, তোমার মনে হয় তা কটা খেয়েছো বসে বসে? হ্যাঁ ওই যে আমি বলছিলাম যে এবার সবাই বিশ্বাস করবে, আমি তো ফেলে দিলাম না, একটুখানি নিয়ে এসেছিলাম, খেয়েছি তো ফেলে দিয়েছি। ঠিক আছে, আমি দুই তিনবার একটুখানি টেনেছি, তখন তুমি চলে এসছো। ঠিক আছে, সবাইকে তো আমি বলে দিলাম না, এবার ভালো হয়েছে। আরে বাবা আমি একটু দুবার মাত্র খেয়েছি, তখনই তুমি চলে এসছো, আমি তারপর তুমি বললে আমি আবার ফেলে দিই। জামা কাপড়টা বের করেছো আমার, করেছো? কি করছিলে? তোমার বেল বের করেছো, এই যে তোমার বেল। হ্যাঁ হ্যাঁ এইটাই। জামাটা কে বের করে দেবে? জামাটা কোথায়? জামাটা কই? নীল জামাটাতে দিয়েছিলাম বের করতে। হ্যাঁ তুমি তো সবই বের করে গেছো, হরবর হরবর করে বের করেছো, আমি জানি। তোমার যা, তুমি আমাকে যা কাজ বলেছো আমি তোমার কাজ করে দিয়েছি, তাই তো? হ্যাঁ আমি একটুখানি জাস্ট একটু বসে হাওয়াটা খেতে যাচ্ছি। আচ্ছা তোমার তো এক কয় মগ, কয় মগ জল দিয়ে চান করেছো বলো? এত কয় মগ জল দিয়ে? আমি পুরো ঝর্ণাটা জ্বালিয়ে চান করেছি। তো কয় তুপাল ঝর্ণা দিয়েছো তুমি, কয় তুপাল জল দিয়েছো মাথায় এরকম বলো? কয় টুপাল? ওটা ময়েস, কটা বুন, ওটা পুরো ঝর্ণা, ওটা যেন কত স্পিডে হয়। টেলিফোন শাওয়ার আছে ওখানে, ওটা দিয়েও চান করেছি আমি। নিচে কল আছে, ওটা দিয়েও চান করেছি, তিনটে দিয়ে চান করেছি আমি, পটিও করেছি। তোমার মতো না, সব হয়ে গেছে, তুমি তার মানে কটা খেয়েছো নিজেও জানো না। খাইনি রে বাবা, আমি ওখানে বসে একটু হাওয়াটা খাচ্ছিলাম, তারপরে এই সবে বের করে একটু ধরি তখন। হ্যাঁ মানে বলতে না বলতেও না শুরু হয়ে গেছে। হ্যাঁ করবোই আমি, 100 বার করবো, সবাইকে দেখাই। তুমি কত বাজে হয়ে যাচ্ছ দিন দিন, কথা শোনো না আমার, কোনো দরকার নেই না। এত আমি অক্সিজেনটা খাওয়ালাম, ফেব্রুয়ারির মধ্যে তাজা তাজা অক্সিজেন দিলাম, সব নষ্ট হলো তো, গেল তো। এই জন্য তোমাকে তো কোথাও নিয়ে এসে আমার শান্তি নেই তাহলে। এই না তুমি তো নিয়ে এসছো আমাকে। আচ্ছা হয়েছে হয়েছে, তোমার জামা কাপড় গুলো আমি বের করবো, তারপরে দেখবে এসে আমি একটু বিছানায় শুয়ে আছি। আমি কি জানি, আমি এসে দেখলাম এখানে নেই তুমি, তারপরে আমি জানলাটা করে দেখলাম তুমি ওইদিকে চলে গেছো, ওইদিকে গিয়ে ফুকছিলে। কি কোনটা ফুকলে শুনি? খেয়ে লাভটা কি পেলে তুমি? ভালো হয়েছে, ভালো হয়েছে, নষ্ট করবো আমি এইভাবে, নষ্ট করবো এইভাবে। নিজে জামাটা পরেছো নিজে? এই না বললে, হ্যাঁ বন্ধুরা তোমাদেরকে আমি ঘুরাবো, কোন জায়গায় নিয়ে এসেছি দেখাবো,
হ্যাঁ দেখাবে তো, তাহলে জামাটা কে পরবে? চানটা তো করলে না নিজে। হ্যাঁ এই করে করে দেরিটা করো, কত সুন্দর বেলকনিতে এমনি হাওয়া খাবে বসে থাকবে, তা না উনি গাছে পড়তে ছুড়ে ফেলে দেবো তুমি, যাও। হ্যাঁ ওঠো, বদমাইশ, যাও। কিমান সাল হলো এটো? তিনি বছর। অঁ এই জায়গাটো খুলিছে তিনি বছর। মই লৰি এৰা আইৰণ অন হে থোৰা বন্ধ দিছিলো। হ্যাঁ গৰম হ্যাঁ উচাই থৈ নাই কৰ ৰে কি আপ বন্ধ নেকি মই ভুল গৈ, মই তো উচ চাইড চলি গৈ থি বাল্টি কৰণে কে লিয়ে, অভি ওৱান তাৰিখ মই কৰি। आप लोग यही हो? अच्छा मतलब डेली घर जाना होता है या रहते? अच्छा हाँ देखा मैंने, एम्प्लॉय का रूम देखा मैंने, मतलब इतना अच्छा प्लेस है कि सब दिया हुआ है एकदम, मतलब विलेज में रहने का जो फील सब कुछ दिया हुआ है। हमारे तो कोलकाता में ऐसा मिलता नहीं है, बहुत मिस करते हैं। हमारे उधर क्या है बोलो, मतलब पेड़ पौधा तो कुछ नहीं है, पूरा मतलब खा गए वो लोग, पेड़ पौधा जितने भी थे ना सब गए। हम तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं लेते, पोल्यूशन लेते ऐसा लगता है। हे फ्रेंड्स, तो आप सब लोग तो देख ही रहे हो कि रूम कैसे साफ़ हो रहे हैं, और गाइस यहाँ पे डेली रूम को साफ करते हैं, बेडशीट से लेके सब कुछ डेली चेंज कर देते हैं, तो इस पे थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद वॉशरूम भी साफ़ होगा। तो मैं तो सोची थी कि इसी ब्लॉग पे मतलब कौनोकदर विलेज के फुल टूर करवाएंगे, लेकिन गाइस ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे जो ब्लॉग है बहुत लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो हमें ना चाहते हुए भी इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करना पड़ रहा है। लेकिन गाइस आप सब ज़रूर नेक्स्ट ब्लॉग को देखना, क्योंकि उस ब्लॉग पे हम कौनोकदर विलेज के फुल टूर करवाएंगे, यहाँ पे क्या है नहीं है सब कुछ डिटेल में दिखाएंगे, और गाइस हमारे रूम क्लीन होने के बाद कैसे दिख रहे हैं ये बात भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अभी के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे बहुत जल्दी आप सब से कौनोकदर विलेज के फुल टूर लेके। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप सब लोग अच्छे से रहो।